सो हे गाइस, इट्स मी आकाश एंड यू आर वाचिंग स्काई इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पर आज के समय में आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके आधार कार्ड में उनका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो ऐसे में पर आज की इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज यहाँ पर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपका यहाँ पर कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो काफ़ी मज़ेदार एंड नॉलेजफुल होने वाला है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर कि आपको टैप करना है। जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई आधार का, जिसमें कि आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा इंटर 12 डिजिट आधार नंबर UID नंबर। देखिए, यहाँ पर इंटर करने के लिए दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इस कॉलम में अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कैप्चे वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन, एंड यहाँ पर जो आपको नीचे बॉक्स में दिखाई दे रहा है कैप्चे, वो आपको इसमें इंटर करना है। ये सारी चीज़ों को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू वेरीफाई का। सिंपली आप लोगों को इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एंड यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए आपको दिखाई देगा आधार नंबर आपका दिखाई देगा, एंड यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यह आपका जो आधार नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि आधार नंबर है, यानी कि आपने कोई भी गलत आधार नंबर इंटर नहीं किया है। एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए दिखाई देगा कि आपका यहाँ पर एज क्या है, 20 से 30 के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा एज, एंड यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है जेंडर मेल, यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर सबसे एंड में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा HDPF4E39। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर पूरे मोबाइल नंबर को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ 3 अंक दिखाई देंगे आपके मोबाइल नंबर का, जिसकी मदद से आप यहाँ पर इजीली पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है, आप वो तो पता लगा ही सकते हैं कि उसका 3 नंबर क्या है, एंड आपको वो तो याद ही होगा। तो यहाँ पर आप इजीली इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा मोबाइल नंबर इंटर है आपके आधार कार्ड के साथ। एंड यहाँ पर अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर इंटर नहीं है, तो यहाँ पर नन करके आपको दिखाई देगा, जिसका मतलब कि यहाँ पर आपका कोई भी आधार नंबर इंटर नहीं है, इसमें कोई भी मोबाइल नंबर ज्वाइन नहीं है आधार कार्ड के साथ। तो यहाँ पर आप इजीली इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।